Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had read lesson 2, Mayur the Peacock, and had started with the explanation. And I had explained page number 8 and page number 9. I left the last 3 paragraphs of page number 9, which I'll be explaining today. So students, all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 8, as I'll be continuing with the reading and explanation of lesson 2, Mayur the Peacock. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page 8. Lesson 2, Mayur the Peacock. Students, first of all, I'm going to revise the word meanings and meaning of phrases. Then I'm going to read the lesson and continue with the remaining explanation. So all of you, please listen to me carefully as I'm going to revise the word meanings of lesson 2. The first word is admiring. Admiring means appreciating. किसी भी चीज की तारीफ करना है ना, किसी चीज को अप्रिशिएट करना, दैट मींस एडमायर. देन द सेकंड वर्ड इज प्लूमेज. प्लूमेज, फेदर्स ऑफ अ बर्ड, किसी भी चिड़िया के पूरे पंख, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूमेज. प्लूमेज, फेदर्स ऑफ अ बर्ड. देन द थर्ड वर्ड इज मेंटेनिंग. मेंटेनिंग मींस कंटिन्यूइंग टू लुक आफ्टर समथिंग, है ना, किसी भी चीज के लगातार देखभाल करने को हम मेंटेनिंग कहते हैं. देन द फोर्थ वर्ड इज रीजन. रीजन मींस गिव सूटेबल रीजंस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के लिए रीजंस देना, उसको हम रीजन बोलते हैं. देन द फिफ्थ वर्ड इज स्ट्रटेड. स्ट्रटेड मींस टू वॉक इन अ प्राउड वे विथ वंस बैक स्ट्रेट एंड हेड अप, है ना, इतरा के, अकड़ के, घमंड में चलने को हम स्ट्रटेड कहते हैं. जब हम इतराते हैं, इतरा के चलते हैं, सो वी कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड वी हेल्ड आवर हेड अप. देन द सिक्स्थ वर्ड इज गेज्ड. एंड गेज्ड मींस स्टेयर्ड, लुक फिक्स्डली, किसी भी चीज को एक टक देखते रहने को हम गेज्ड बोलते हैं. देन द सेवेंथ वर्ड इज एक्सक्लेम. एक्सक्लेम मींस टू शाउट इन एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, है ना, खुशी के मारे चीखने को हम एक्सक्लेम बोलते हैं. टू शाउट इन एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस. देन द एट्थ वर्ड इज प्रीनिंग. प्रीनिंग मीन्स क्लीनिंग द फेदर्स विद द बीक, है ना, चिड़िया अपने पंखों को अपने चोंच से साफ करती है, उसको हम प्रीनिंग बोलते हैं. द नाइन्थ वन इज हैंडसम. हैंडसम मीन्स गुड लुकिंग. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, हैंडसम हम किसी मेल के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर फीमेल्स. फीमेल्स के लिए हम प्रिटी, ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, चार्मिंग, ये यूज करते हैं. वेयर एज फॉर मेल्स वी यूज द वर्ड हैंडसम. हम मूवी देख के बोलते हैं ना, दैट हीरो इज सो हैंडसम. हीरोइन को हम ब्यूटिफुल बोलते हैं. वी डोंट से, वी डोंट यूज हैंडसम फॉर फीमेल्स, कीप इन माइंड. देन द टेंथ वर्ड इज वॉटर पोलो. वॉटर पोलो, अ गेम प्लेड इन वॉटर विद अ बॉल. पानी में बॉल के संग गेम खेला जाता है, उसको वाटर पोलो कहते हैं. देन द इलेवेंथ वर्ड इज फ्लैटन. फ्लैटन मींस बिकम फ्लैट. कभी कभी हम गिरते हैं ना धड़ाम से और एकदम फ्लैट गिरते हैं, चारों खाने चित जिसको बोलते हैं वो. देन द ट्वेल्थ वर्ड इज एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली मीन्स बाई चांस, कोई भी चीज जो इत्तेफाक से हो, जानबूझ के नहीं हो, दैट इज नोन एज एक्सीडेंट. Then the 13th word is slid, and slid means slipped, फिसल जाना. The 14th word is astonishment. Astonishment means surprise, आश्चर्यचकित हो जाना. Then the 15th word is whiz. Whiz means to move quickly through the air with a whistling or buzzing sound, है ना. मैंने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था रॉकेट. जब आप रॉकेट को जलाते हो दिवाली के टाइम में, तो कैसे वो साउंड करके जाता है, दैट इज दैट विजिंग साउंड. नाउ बिसाइड्स दीज 15 वर्ड मीनिंग्स चिल्ड्रन, देयर आर फ्रेजेस आल्सो गिवन. लेट्स रिवाइज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस आल्सो. द फर्स्ट फ्रेज इज कीप टू हिमसेल्फ.
which means to spend a lot of time alone without talking to other people, है ना, कि बस अपने अपने आप में ही खोए रहना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं. सो दैट इज कीप टू हिमसेल्फ. देन द सेकेंड वर्ड इज मेड अ डैश. मेड अ डैश दैट मीन्स रन क्विकली टूवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज की तरफ दौड़ के जाने को बोलेंगे मेड अ डैश. फाइन. सो नाउ आई रीड द चैप्टर फॉर यू चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन. फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड. So please listen carefully so that you can also pronounce the words correctly. Lesson 2, page number 8, Mayur the Peacock. Mayur was a peacock. He lived in Pakshi Vihar, but he kept to himself most of the time. He thought of his looks all day. He never got tired of admiring his beautiful plumage. Once he had noticed a tourist combing her hair and he had loved the idea of maintaining his plumage all the time. Thus he had made a comb with a few sticks and carried it everywhere he went. He used it so often that it had almost become toothless now. He sometimes wished he had a mirror to admire himself in, but then he reasoned to himself that at least he could see himself in the clear water of the pond. Every day he strutted down to the pond, opened his tail wide and gazed at himself. "What a beautiful bird I am," he would exclaim. Then he would take out his comb and start preening again. The other birds were tired of asking him to join them in their games. Hans, the handsome heron, called out to him one day and said, "Shut your tail and play water polo with us." "No, thank you," said Mayur. "My feathers will get wet and smelly." He then continued to comb his hair. Another time, a brood of ducklings begged Mayur to be their goalkeeper, till the time their original goalkeeper, the duck, arrived. At first, Mayur was shocked at such a suggestion, but the ducklings begged him to play with them. So he agreed reluctantly. He didn't like the job though. Each time the ball hit his tail, it flattened his feathers. He left the goal wide open every time and rushed to the pond to see how badly his feathers had been damaged. He brushed his feathers all afternoon till they shone again. "I look smarter than ever," he thought to himself. All the other birds were tired of his behavior. They could never make Mayur join in any of their games. One morning, Mayur woke up with the first rays of the sun. He made a dash for the pond as usual to admire himself in the crystal clear water. However, something unexpected happened. Somebody had eaten a banana and had accidentally thrown away the banana peel on the ground. Mayur slipped on the banana peel and fell down. He slid right down the bank into the pond with a big splash. All the other birds watched in silence, wondering how Mayur would react. To their astonishment, instead of being angry, Mayur was actually enjoying the water. That banana skin slide was fantastic. "I never knew I could whiz so fast. This water feels wonderful. I must take a dip more often." The other birds could hardly believe their ears. "What about your tail, Mayur?" the heron asked. But Mayur wasn't listening.
He was busy splashing around in the water. As he was playing, Mayur realized his foolishness. He decided to stop thinking about his looks so much and start playing and enjoying like the other birds. All the other birds were very happy. At last, Mayur had stopped thinking about his appearance. He had realized the fun and enjoying the simple pleasures of life. He now played with the other birds and had a lot of fun. So this was the reading of the chapter, students. Now I'm going to continue with the explanation. Mayur was a peacock. Mayur ek peacock ka naam tha. Peacock jante hai na, mor. He lived in Pakshi Vihar. Aur Mayur kahan rehta tha? Pakshi Vihar, jahan pe sare pakshi rehte the. All birds used to reside in Pakshi Vihar. Hai na? Aapne Sarnath mein bhi dekha hoga, Pakshi Vihar ek bada sa cage hai, jiske andar bahut sare birds ko rakhte hain. And we go as tourists and we watch the different kinds of birds. But he kept to himself most of the time. But Mayur tha jo, wo bahut self-centered tha. वो अपने में ही रहता था. वो पूरे समय अपने बारे में ही सोचता था. उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं था. He thought of his looks all day. Now Mayur, वो क्या करता था पूरे दिन? वो बस अपने looks के बारे में ही दिन भर used to keep on thinking. कि he is very handsome, he's got beautiful feathers. He never got tired of admiring his beautiful plumage. वो कभी भी अपने सुंदर फेदर्स को देख देख के थकता ही नहीं था. पूरे समय वो अपने सुंदर प्लूमेड फेदर्स को निहारता ही रहता था. यू कैन सी इन द पिक्चर ही इज एडमायरिंग हिज प्लूमेज. वंस ही हैड नोटिस्ड अ टूरिस्ट कॉम्बिंग हर हेयर एंड ही हैड लव्ड द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग हिज प्लूमेज ऑल द टाइम. अब एक बार मयूर ने क्या देखा कि एक टूरिस्ट जो पक्षी विहार बर्ड्स को देखने आई थी, वो एक कोम कंघी निकाल के अपने बाल को कोम कर रही थी. मयूर को उस टूरिस्ट को देख के आइडिया मिला, है ना? आंट उसको भी लगा कि हाँ, मेरे पास भी अगर ऐसा कुछ कोम जैसा होता तो मैं भी अपने जो प्लूमेज है इसको मेंटेन कर सकता, इसकी मैं रख रखाव कर सकता, इसको मैं क्लीन कर सकता. हम कोम क्यों करते हैं? वाई डू वी कोम आवर हेयर? टू कीप आवर हेयर नीट एंड क्लीन, टू ऑर्गेनाइज आवर हेयर. सो मयूर को भी आइडिया मिला कि अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ कोम होता तो आई कुड मेंटेन माई प्लूमेज, आई कुड क्लीन माई फेदर्स. सो दस ही हैड मेड अ कोम विथ फ्यू स्टिक्स एंड कैरीड इट एवरीवेयर ही वेंट. तो मयूर ने क्या किया, उसको टूरिस्ट से आइडिया मिला तो उसने सूखी लकड़ियों से अपने लिए क्या बनाई, एक कोम बनाई, ठीक है? और वो कोम बना के उसको सूखी लकड़ियों से, और वो जहां भी जाता था वो अपनी जो कोम है वो साथ लेके यूज्ड टू कैरी इट एवरीवेयर. ही यूज्ड इट सो ऑफन दैट इट हैड ऑलमोस्ट बिकम टूथलेस नाउ, है ना? आपकी भी कंघी जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसके टूथ टूट जाते हैं, है ना? कंघी, एंड देन इट इज ऑफ लिटरली, वो बहुत अच्छे से आप उससे बाल नहीं कोम कर सकते. तो मयूर ने भी अपनी जो स्टिक से कोम बनाई थी वो इतनी ज्यादा यूज की कि उसकी स्टिक्स जो है घिस गई थी, टूथ मतलब टूथलेस हो गई थी, है ना? घिस के टूट के वो टूथलेस हो गई थी, ठीक है? ही समटाइम्स विश्ड ही हैड अ मिरर टू एडमायर हिमसेल्फ इन, बट देन ही रीजन टू हिमसेल्फ दैट एट लीस्ट ही कुड सी हिमसेल्फ इन द क्लियर वाटर ऑफ द पॉन्ड, है ना? मयूर कभी कभी सोचता था, बहुत उसकी इच्छा होती थी, काश एक मिरर होता, एक बड़ा शीशा होता, है ना, जिसमें कि मैं अपनी सुंदरता को उस मिरर में आई कुड सी माई सेल्फ. बट देन फिर वो सोचता था, कोई बात नहीं, आई डोंट हैव अ मिरर, सो व्हाट, मैं जो पॉन्ड है पक्षी विहार में, जो पॉन्ड है पानी का, उसके क्रिस्टल क्लियर वाटर में मैं अपने रिफ्लेक्शन में अपने आप को आई कैन एडमायर माई सेल्फ, आई कैन लुक एट माई ब्यूटिफुल फेदर्स. तो उसकी बहुत इच्छा थी कि उसके पास मिरर काश होता, बट जब मिरर तो था नहीं, तो वो अपने मन को तसल्ली देते था कि कोई बात नहीं, मिरर नहीं है तो क्या हुआ, आई कैन ऑलवेज एडमायर माई सेल्फ इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ द पॉन्ड. एवरी डे ही स्ट्रटेड डाउन टू द पॉन्ड
ओपन दिस टेल वाइड एंड गेज्ड इन एट हिमसेल्फ। अब उसका रोज का रूटीन क्या था, वो रोज खूब स्ट्रटेड डाउन, खूब घमंड में इतराते हुए कहाँ जाता था, पॉन्ड में जाता था। वहां जाके वो अपने जो पूरे पंख है वो फैला लेता था ऐसे, है ना। यू कैन सी ही हैज ओपनड हिज टेल वाइड, और वो अपने पूरी टेल को ओपन करके ही यूज्ड टू गेज एट हिमसेल्फ, और वो लगातार अपने आप को वाटर, जो वाटर में हम ऐसे झांक के देखते हैं तो रिफ्लेक्शन दिखती है ना, तो वो लगातार अपने ब्यूटिफुल फेदर्स को एक तक देखता ही रहता था, देखता ही रहता था। इज टू नेवर गेट टायर्ड हिमसेल्फ, है ना। वो अपने आप को देखते देखते कभी थकता ही नहीं था। एंड देन यूज टू से टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप को देख के कहता था, व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड आई एम, कि मैं कितना सुंदर मैं बर्ड हूँ। ही वुड एक्सक्लेम, और वो खुशी के मारे चिल्लाता था, व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड आई एम, दैट आई एम वेरी ब्यूटिफुल। ही वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज अपियरेंस हिज ब्यूटी, उसको बहुत घमंड था कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, आई एम वेरी हैंडसम। देन ही वुड टेक आउट हिज कॉम एंड स्टार्ट प्रीनिंग अगेन, और फिर वो अपनी कॉम निकालता था एंड यूज टू स्टार्ट क्लीनिंग हिज फेदर्स विद कॉम ऑल्सो। कॉम तो टूथलेस हो गई थी, तो वो अपने बीक से भी अपने फेदर्स को क्लीन करता था। क्लीनिंग द फेदर्स विद द बीक इज नोन एज प्रीनिंग। The other birds were tired of asking him to join them in their games. अब जो बाकी के पक्षी विहार के birds थे, वो उससे पूछ-पूछ के थक गए थे कि हम we are playing games, you also join us in our games. But they knew कि वो join नहीं करेगा, तो वो थक गए थे। वो जानते थे कि मयूर जो है हमारे संग games में नहीं join करेगा। आप भी जितने ज़्यादा लोग खेलते हो उतना you enjoy. The other birds also wanted Mayur to play with them and enjoy. But Mayur used to never join them in their games. So now they had stopped asking Mayur, ki kya tum bhi hamare sang games kheloge. Hans the handsome heron called out to him one day. Ek din Hans, jo bahut handsome heron bird tha, white rang ka, bahut handsome tha, usne Mayur ko bulaya. और उसने कहा, शट योर टेल एंड प्ले वाटर पोलो विद अस। उसने कहा, ये जो तुम दिन भर अपनी टेल खोल के अपनी ब्यूटी एडमायर करते हो, अपनी टेल आज बंद करो एंड यू प्ले वाटर पोलो विद अस, और बाकी हम बर्ड्स के साथ तुम क्या खेलो, वाटर पोलो खेलो। नो थैंक यू सेड मयूर, माय फेदर्स विल गेट वेट एंड स्मेली। ही देन कंटिन्यूड टू कॉम हिज हेयर। जब हंस ने उसको वाटर पोलो खेलने के लिए बोला, तो मयूर ने बोला, नो थैंक यू, नहीं, आई विल नॉट प्ले विथ यू। व्हाई ही विल नॉट प्ले, व्हाट रीजन डिड ही गिव टू द हंस, उसने हंस को क्या रीजन दिया, माय फेदर्स विल गेट वेट, कि अगर मैं तुम लोगों के संग वाटर पोलो खेलूंगा तो मेरे जो ये फेदर्स हैं ये वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, एंड स्मेली, एंड जब ये भीग जाएंगे तो इनमें स्मेल आने लगेगी। आपने देखा है ना, बर्ड्स एनिमल्स जब आप उनको कभी बात दो, या इन रेनी सीजन व्हेन दे गेट वेट, एक टिपिकल सी स्मेल आती है उनके फर में से या फेदर्स में से। सो मयूर वॉज वेरी कॉन्शियस, ही टोल्ड हंस कि इफ आई प्ले वाटर पोलो विद अस व्हाट विल हैपन, मेरे जो फेदर्स हैं दे'ल गेट वेट एंड दे'ल बिकम स्मेली, सो नो थैंक यू, आई विल नॉट प्ले वाटर पोलो विथ यू। ही देन कंटिन्यूड टू कॉम हिज हेयर, और वो अपने जो बाल है फिर वो कॉम करने लगा। Another time, a brood of ducklings begged Mayur to be their goalkeeper. Till the time their original goalkeeper, the duck, arrived. A brood of ducklings collective noun है ducklings के लिए। Ducklings duck के babies। जो बहुत सारे ducklings एक साथ होते हैं तो उनको brood of ducklings कहते हैं। तो एक बार एक brood of ducklings, बहुत सारे छोटे-छोटे ducklings, वो मयूर के पास आए। उन्होंने request किया कि आप please हमारे goalkeeper बन जाओ, just for the timing। थोड़ी देर के लिए, जब तक कि जो उनकी ओरिजिनल गोलकीपर जो डक है वो नहीं आता, उस टाइम तक के लिए, डक नहीं आती है जब तक के लिए, आप हमारे गोलकीपर बन जाओ। एट फर्स्ट मयूर वॉज शॉक्ड एट सच अ सजेशन, बट द डकलिंग्स बेग्ड हिम टू प्ले विद देम, सो ही एग्रीड रिलक्टेंटली। जब वो डकलिंग्स ने मयूर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमारे लिए थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बींग, हमारे गोलकीपर आप बन जाओ, टिल द टाइम द डक arrives. So Mayur was shocked. अरे ये मुझसे कैसे पूछ रहे हैं, they know that I don't play games, but
दी डकलिंग्स, दी ब्रूड ऑफ डकलिंग्स, दे केप्ट ऑन बेगिंग हिम, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की मयूर से टू बी देयर गोलकीपर. सो ही एग्रीड रिलक्टेंटली. मयूर मान तो गया बट रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली. ही वॉज नॉट विलिंग, अंदर से उसकी इच्छा नहीं थी, बट ही हैड टू से यस बिकॉज दी डकलिंग्स दे वर बेगिंग हिम. वो बार बार प्लीज 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 इतना ज्यादा बेग किया दैट ही डिडंट विश टू बी देयर गोल कीपर, बट देन बिकॉज ऑफ देयर प्लीडिंग ही एग्रीड टू बी देयर गोल कीपर. ही डिड लाइक द जॉब दो. उस मयूर को गोलकीपर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ईच टाइम द बॉल हिट हिज टेल इट फ्लैटेंड हिज फेदर्स, क्योंकि जब डकलिंग्स गोल कर रहे थे तो ये गोलकीपर था, ही हैड टू स्टॉप द गोल. और हर बार जो बॉल है उसके फेदर्स पे लग रही थी, और फेदर्स पे लगते ही क्या हो रहा था, फेदर्स को वो फ्लैट कर दे रही थी. जो बॉल है उससे फेदर जो उसने अपने खूब चमका के खूब शाइन करके रखे थे, उसके जो उठे हुए फेदर्स थे वो पूरे चपटे हो जा रहे थे. ही लेफ्ट द गोल वाइड ओपन एवरी टाइम एंड रश टू द पॉन टू सी हाउ बैडली हिज फेदर्स हैड बीन डैमेज. और जब भी बॉल लगती वो गोल अपना जो छोड़ के पोस्ट छोड़ के गोल पोस्ट छोड़ के वो भाग के पॉन में देखने जाता कि मेरे फेदर्स जो है कितने बॉल से डैमेज हो गए. वॉज सो कॉन्शियस. He brushed his feathers all afternoon. और उस दिन पूरे afternoon मयूर ने अपने feathers को brush करते रहा, साफ करते रहा, है ना? Till they shone again, जब तक कि वो वापस से shine नहीं करने लगे. Shone is the past tense of shine, जब तक कि वो चमकने लगे. I look smarter than ever, he thought to himself. And फिर what did मयूर think? कि मैं तो पहले से और भी ज्यादा smart लग रहा हूँ after combing my hair, after brushing my hair. All the other birds were tired of his behavior. और जितने भी जो बाकी बर्ड्स थे वो सब उसके इस बिहेवियर से थक चुके थे कि वो बार बार सेल्फ अप्रेजल कि मैं आई एम सो हैंडसम, आई एम सो गुड लुकिंग, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड. They could never make Mayur join in any of their games. और वो कभी भी मयूर को अपने किसी गेम में वो join नहीं कर सकते थे, because Mayur was not at all bothered. He was just bothered about himself, always admiring his own beauty. Now one morning Mayur woke up with the first rays of the sun. और आपको पता है ना, जैसे ही सूरज की rays निकलती बर्ड सबसे पहले उठ जाती हैं. And you can hear their chirping in the morning. तो एक दिन सुबह what happened? With the first rays of the sun, Mayur जो है वो उठ गया. He made a dash for the pond as usual to admire himself in the crystal clear water. और वो उठते ही उसका सुबह सुबह सबसे पहले काम क्या होता था? भाग के जाना पॉन्ड की तरफ. क्योंकि आप देखते हो ना, मॉर्निंग में पॉन्ड वगैरह में जब एकदम कम मूवमेंट होती है तो पानी स्टिल रहता है, और स्टिल पानी क्लियर हो जाता है, एंड वन कैन ईजिली लुक एट द रिफ्लेक्शन. तो मयूर जो है मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के भाग के गया. कहाँ गया? टुवर्ड्स द पॉन्ड. व्हाई डिड ही गो देयर? वो ही मेड अ डैश टू द पॉन्ड एज यूजुअल. उसका रूटीन था, वो रोज जाता था भाग के सुबह, टू एडमायर हिज ब्यूटी इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ द पॉन्ड. हाउएवर समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड. लेकिन उस दिन कुछ जो किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो गया. Somebody had eaten a banana and had accidentally thrown away the banana peel on the ground. अब किसी ने एक बनाना खाया होगा, एक केला खाया होगा, और केला खा के बनाना खा के उसका जो पील है, उसका जो छिलका है, वो ग्राउंड में फेंक दिया, और उस रास्ते पे फेंका जिस रास्ते पे पॉन्ड था जहां से मयूर को जाना था. मयूर स्लिप्ड ऑन द बनाना पील एंड फेल डाउन. अब मयूर तो भागते हुए जा रहा था, उसने तो देखा भी नहीं कि रस्ते में उसके रस्ते में कुछ पड़ा है. वो तो भागते हुए उसको जाना था पॉन्ड के पास, और उसको अपनी ब्यूटी एडमायर करना था, तो वो बिना सोचे समझे भागा. और क्या हुआ, इत्तेफाक से उसका पैर जो है बनाना पील के ऊपर पड़ा एंड ही स्लिप्ड, और वो फिसला जोर से, एंड फिसलते हुए He slid right down the bank into the pond with a big splash. और वो सीधे whiz करते हुए, एकदम सीधे फिसलते हुए, वो छपाक करके पॉन्ड के पानी में छप
से, स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छपाक से। आपने देखा है ना पानी में कभी आप गिरते ऊपर से तो छपाक से आवाज आती, दैट इज नोन एज दी स्प्लैश। और वो स्प्लैश के साथ पॉन्ड के वाटर में धड़ाम से गिरा। ऑल दी अदर बर्ड्स वॉच्ड इन साइलेंट वंडरिंग हाउ मयूर वुड रिएक्ट। अब सारे बर्ड्स वो एकदम शॉक थे, दे वर वंडरिंग कि अब ये तो पानी में कभी जाता ही नहीं था और ये तो धड़ाम से छपाक से पानी में जाके गिर गया। दे वर वंडरिंग कि अब मयूर क्या करेगा, ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट हिज ब्यूटी और ये तो पानी में गिर गया है। टू देयर अस्टॉनिशमेंट इंस्टेड ऑफ बींग एंग्री मयूर वॉज एक्चुअली एंजॉइंग दी वॉटर। अब बर्ड्स वर वेरी सरप्राइज टू सी कि उनको लगा कि मयूर तो बहुत गुस्सा आएगा कि किसने बनाना पील फेंका एंड ही स्लिप्ड एंड फेल इन दी वॉटर, बट समथिंग डिफरेंट हैपेंड। बट उन्होंने जैसा सोचा ही नहीं था वैसा कुछ हुआ। मयूर वॉज एक्चुअली एंजॉयिंग इन दी वॉटर, मयूर तो पानी में बहुत एंजॉय कर रहा था। दे थॉट कि मयूर तो बहुत गुस्सा आएगा कि किसने बनाना पील फेंका कि मैं स्लिप करके सीधे पानी में चला गया, बट उसका उल्टा ही हुआ, समथिंग एल्स हैपेंड, मयूर वॉज एंजॉइंग इन द वॉटर। दैट बनाना स्किन स्लाइड वॉज फैंटास्टिक, आई नेवर न्यू आई कुड विज सो फास्ट। और मयूर क्या बोल रहा था, आपने कभी आप वॉटर पार्क में गए ना, उसमें डिफरेंट स्लाइड्स होती जिसमें आप फिसल के सीधे स्प्लैश करके पानी में गिरते हो, एंड इट इज रियली फन, है ना। इफ यू एवर गेट अ चांस डू एंजॉय अ वॉटर स्लाइड। तो आपने देखा है कि आप स्लाइड पे फिसलते हो तो बड़ी मजा आती है। तो मयूर वॉज सेइंग कि दैट स्किन बनाना स्किन स्लाइड, कि बनाना स्किन स्लाइड वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक टू गुड, दैट मींस मयूर एंजॉयड। एंड ही सेड कि आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ज़ूस करके और मैं इतना फास्ट विस कर सकता हूँ। This water feels wonderful. I must take a dip more often. और ये पानी में तो बहुत wonderful है ये पानी, और मुझे तो यहाँ बार बार आके dip करना, dip करना, डुबकी लगाने का मन करना, मुझे तो बार बार यहाँ पे I must take a dip often. मुझे बार बार dip इस water में करना ही। Was enjoying the water. उससे पहले उसने water में कभी गया ही नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कि water में जाने में कितनी मजा आती है। The other birds could hardly believe their ears. अब वो other birds ने जब सुना तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मयूर बोल रहा है जो पानी में जाना ही नहीं चाहता था, and who's enjoying the water. What about your tail, Mayur? The heron asked. अब handsome heron ने मयूर से पूछा, मयूर तुम्हारी tail का क्या होगा? You were so much bothered about your tail. But Mayur wasn't listening. But Mayur तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। He was busy splashing around in the water. और वो पानी में छपाक छपाक, आप भी enjoy करते हो ना पानी में, he was splashing around in the water. As he was playing, Mayur realized his foolishness. और पानी में खेलते हुए मयूर ने realize किया कि वो कितना foolish था, कि वो कभी water में आया ही नहीं, वो games ही नहीं खेला. It was so much fun playing and enjoying. He decided to stop thinking about his looks so much and start playing and enjoying like other birds. And that day onwards, Mayur ne decide kiya ki ab wo apni beauty ke baare mein jyada nahi sochega. He will play and enjoy like other birds. Jaise dusre birds play karte hain, enjoy karte hain, Mayur would also play and enjoy. Now he will not be conscious about his beauty anymore. All the other birds were very happy. अब मयूर का ये change behavior देख के जो दूसरे birds थे, they were all very happy. At last, मयूर had stopped thinking about his appearance. आखिर में मयूर ने अपने appearance means about his looks, कि how does he look? अपने appearance में कि वो कैसा दिखता है, अपने appearance के बारे में सोचना बंद कर दिया था. He had realized the fun in enjoying the simple pleasures of life. और उसने realize किया था कि life में जो हमको असली enjoyment किससे मिलता है, ये छोटी छोटी चीजों से हम बहुत खुश होते हैं. ये छोटे games, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हमें life में बहुत खुशी देती थी, जो मयूर miss करता. वो इतना ज्यादा conscious था कि उसने कभी enjoy करने खेलने के लिए सोचा ही नहीं. But
इत्तेफाक से एक्सीडेंटली ही स्लिप्ड इन द वाटर एंड देन ही रियलाइज्ड कि व्हाट फन ही वाज मिसिंग. ही नाउ प्लेड विद द अदर बर्ड्स एंड हैड लॉट ऑफ फन. अब नाउ मयूर जो है वो एकदम चेंज हो गया था. ही प्लेड विद द अदर बर्ड्स एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एंड फन लाइक अदर बर्ड्स. सो आई होप अभी सबको समझ में आया होगा कि what fun we also have when we play and enjoy with other friends and people. We should mix up, we should share and care for other people. We should not be selfish and self-centered. Fine? तो हमें selfish और self-centered नहीं बनना चाहिए मयूर के जैसे. Finally, मयूर realized his foolishness and he started enjoying and playing in the end. So, I hope now everybody has understood this lesson, students. That's all for today. I'll be continuing with the exercises in my next video. Till then, please do read this lesson again and again. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.